किसी व्यक्ति को 2011 की अप्रैल मई में अपनी बेटी की शादी करनी है, मन में संकल्प हो गया उसे करने है, बेटी की शादी में जो कुछ होता है वो सब उसकी चिंता है, एक पतरवाड़ी से लेकर पानी पीने के गिलास तक सब उसी की चिंता हो जाती है, और उस चिंता में वो व्यक्ति पूरे मई तक परेशान रहता है, और काला पीला सफेद जैसा उससे होता है वो सब करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति योग कर्म नहीं कर रहा है, परमात्मा को शामिल करके कर्म नहीं करता है। उसको क्या लगता है, ये मेरे बगैर नहीं होगा क्योंकि मैं इसका बाप हूं, ये मेरी पुत्री है, मैंने पैदा किया है उसको, इसीलिए मई में जो शादी होगी जो भी आडंबर होगा वो सब मैं करूंगा तो होगा, अगर मैंने नहीं किया तो नहीं होगा। इस भावना से वह व्यक्ति नौकरी करेगा, कर्जा उठाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा, और वो संपत्ति इकट्ठा करेगा और फिर सब एक दिन खर्च करेगा। क्यों? कर्ता का अभिमान उस व्यक्ति में जब आता है तो फिर वो परेशान होने लग जाता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम कर्महीन हो जाओ, तुम अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ भी मत करो, घर बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के, सब कुछ वही करो जो तुम्हें चिंता में रह के करना है, पर परमात्मा मई मैंने कहा उसे योग में करो। तुम बेटी के नाम के विवाह के नाम से अगर खेती में बीज डालते हो तो बीज डालते समय भगवान को कह दो कि तुम्हारी पुत्री का विवाह करना है, उसे सुख देना है, तुम्हारी जो संसार है, तुम्हारी जो नियम है सृष्टि बढ़ाने का, सृष्टि बढ़ाने के लिए उसे एक पुरुष के साथ में संयोग करना है, इसीलिए हे प्रभु संयोग जब पुत्र का होगा, संयोग जब किसी पुरुष का होगा मेरी प्रकृति रूपी बेटी के साथ में, तो सृष्टि आगे बढ़ेगी, ये नेम आपका है, इसीलिए सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आप मेरा संयोग 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 करिए, मैं आपके संयोग को मांग रहा हूं। देखिए, एक किसान ऐसा होता है जो बिना विश्वास के खेत में बीज डालता है तो पहले बीज में दवा लगा लेता है, दवा, उसे विश्वास नहीं होता कि यह बीज उगेगा, उसे ऐसा लगता है कि खेत में डालना तो इसे कीड़ा लग जाएगा, कोई रोग लग जाएगा, तो वो पहले से ही बहुत समझदार हो जाता है, वो ताने पर ही दवा लगा लेता है और बीज को डालता है। और एक किसान अपना कर्म समझता है, जिस प्रकार का दाना बाजरे की बाल में आता है, मक्के के भुट्टे में आता है, गेहूं के बाल में आता है, उस दाने में जिस प्रकार से दवा नहीं होती है फिर भी वो ऊर्जावान होता है और हमारा पेट भरता है, तो मैं क्यों उसी दाने को धरती में न डालूं, क्योंकि वो दाना धरती से निकला है तो धरती में जरूर उगेगा, ऐसा समझकर एक किसान बिना दवा के भी डाल देता है। योग ऐसा होता है कि जो उपचार से दवा से खेत में दाने को डालता है उसका अंकुर पैदा नहीं होता, और जो जैसा है वैसा डाल देता उसका पैदा हो जाता है। क्यों? एक व्यक्ति ने दवा पर विश्वास किया और एक व्यक्ति ने भगवान पर विश्वास किया, सत्य किसका हुआ ये आपके सामने है। मेरे कहने का मतलब है जो करना है योग में करना है, ईश्वर में करना है, भगवान के सहयोग में करना है, परमात्मा को साथ लेके करना है, उसकी मंजूरी के बगैर कुछ नहीं होता, इसीलिए उसकी मंजूरी लेके करना है। क्यों? किसी भी हाल में तुम उसे याद करो न करो, तुम उसे शामिल करो मत करो, फिर भी वो व्यापक है वहां, हा?
व्यापक है। आप कोई भी काम करने चले जाओ वहां व्यापक है। आप कमरा बंद कर लो, अंदर से लॉक लगा लो और तुम कोई भी काम करो, अगर तुम्हें किसी भी काम में इंटरेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, तो उसका भी स्वामी वही है, उसका भी मालिक वही है, उसका भी चेतन वही है, उसका भी योगी वही है, उसका भी दायित्व वही है। ऐसा समझ के जब व्यक्ति जीता है तो वो कहीं भी अच्छे या बुरे काम में, पाप या पुण्य में परमात्मा के बगैर कर्म करता नहीं। अच्छा बताओ, मैं आपसे पूछूंगा हां और ना में जवाब दीजिए। तुम अपने 80 वर्ष के बूढ़े दादाजी को अगर गोली से मार दें तो तुम्हें पाप लगेगा या पुण्य? सवाल बड़ा अच्छा। अच्छा चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, ये सवाल है, इसका हल भी निकलेगा। जो भी गद्दी से कहा जाता है बिना रहस्य के नहीं कहा जाता। एक व्यक्ति भी उसमें शंका कर ले फिर कथा कैसी? सबकी शंकाओं को चूर चूर करने के लिए कथा हो रही है। शंका निकलेगी तो समाधान होगा, जब तक नहीं होगा समाधान तब तक सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए ये जो प्रवचन है, सत्संग है, कथा है, ये तुम्हारी शंकाओं को विनाश करने के लिए हो रही है। इसीलिए ये जवाब दीजिए, दादाजी को गोली से मारने के बाद में अपराध है कि नहीं? अपने गुरु को गोली से मारने पर अपराध है कि नहीं? कोई ना बोलता तो मैं ही बोल देता। सुनिए, अपने हाथों से अपने दादाजी को मारने के बाद भी उसे पाप नहीं लगा, अपने हाथों से अपने गुरु को मारने के बाद भी उसे पाप नहीं लगा, अपने हाथों से अपने फूफा को मार के भी उसे पाप नहीं लगा, अपने हाथों से अपने जिज्जा को मार के भी उसे पाप नहीं लगा। और वो व्यक्ति है अर्जुन, वो व्यक्ति है अरे द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, किसने मारा? पाप नहीं लगा उसे। और तुम जरा मार के देखो, तुम्हें मोहल्ले वाले ही बता देंगे बहुत पापी है तू। अजी जा, पूरा मत मारिए, दो चार थप्पड़ लगा दो दादाजी का, फिर मोहल्ले वाले आशीर्वाद देने पहुंच जाएंगे बराबर। अजी समझ गए, इतना बुरा करने के बाद भी अर्जुन को पाप क्यों नहीं लगा, मैं ये पूछना चाहता। देखिए मोती कहां रहता है? मोती नाम तो मोती का सुना है, कई लोग जानते हैं मोती कहां से निकलता है। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति स्वाति कहते हैं बादल की बरसात की बूंद को, बूंद संस्कृत में बूंद को स्वाति बोलते हैं। स्वाति एक गुण तीन, बरसात में श्रावण का महीना हो और श्रवण नक्षत्र हो, बारिश हो जाए, उस बूंद की बड़ी कीमत है, बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। कोई मछली जवानी में हो, पति चाहती हो, मां बनना चाहती हो, ऐसी स्थिति में वो बूंद उसके मुंह में गई तो वो मोती बनती है, और वही बूंद केले के पत्ते पे पड़ जाए तो कपूर बन जाती है, और वही बूंद सांप के मुंह में चली जाए तो बहर बन जाती है। स्वाति एक गुण तीन, एक बूंद है और तीन जगह बट गई, समय परिस्थिति और स्थिति दोनों में बटी। मछली के मुंह में गई तो मोती बनी, केले के झाड़ पर गिरी तो कपूर बनी, सांप के मुंह में गई तो जहीर बन गई। परिस्थिति में धर्म बदलता है, फल बदलता है, परिणाम बदलता है। अर्जुन को पाप इसलिए नहीं लगा क्योंकि अर्जुन ने अपने कर्म को कृष्ण के हाथ में सौंप दिया था। मैं कुछ नहीं करूंगा, देख लो
मैं दादाजी को नहीं मारूंगा, मैं फूफा को मारूंगा नहीं, भाइयों को मारूंगा नहीं, चाचा के छोरों को मारूंगा नहीं। क्यों? मुझे नहीं संपत्ति चाहिए किसी को मार करके, मैं कटोरा लेके भीख मांग लूंगा। ये अर्जुन ने कृष्ण से कहा था। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, बात पेट भरने की नहीं है अर्जुन, तुमको अभिमान हो गया है, तुम्हें अभिमान हो गया है, तुम्हें ऐसा लगने लग गया है कि मैं मारूंगा इसको तो मुझे राज्य मिलेगा, मेरे हाथों से ये मरेगा तो मैं गद्दी पाऊंगा, ये तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। अरे अर्जुन, तूने जब भीष्म पितामह को जन्म नहीं दिया तो तू मार भी सकता, जन्म जो देता है उसे ही मारने का अधिकार होता है, जन्म देने वाला कोई और है तो उसकी मृत्यु का मालिक भी कोई, तू तो खाम खां कर्म के बंधनों में पड़ रहा है। जब व्यक्ति ऐसा समझता है कि मैंने यह किया, उसी समय वो खूंटे से बंध जाता है। चाहे वो आप कितना भी बड़ा पुण्य करे, कितना भी बड़ा पुण्य कर ले, जग लुटा ले, करोड़ों अरबों खर्च कर दे, अन्न दान कर दे, पर मैंने किया है यह शब्द आ गया तो वो खूंटे से बंध गया। खूंटे से बंधने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं है, सोने की जंजीर से भी अगर बंधोगे तो भी बंधे ही रहोगे। इसीलिए एक व्यक्ति को चाहिए कि बुरे से बुरा कर्म करे तो भगवान को सौंप के करे, अच्छा करे तो भगवान को सौंप के करे, सौंप दे उसे, शामिल कर ले, मैंने कहा योगमय कर्म, उससे मिल के करे, उसे साथ में लेके करे। एक बार ईश्वर को साथ लेकर कर्म करोगे, साथ समझ के कर्म करोगे तो भगवान तुम्हारे करा वो साक्षी रहता है, साक्षी वो साक्षी रहता है, पर तुम अज्ञान हो जाते हो, तुम अंधे हो जाते हो, तुम मूर्ख हो जाते हो, तुम कर्मकर्ता बन जाते हो, तुम रावण हो जाते हो। इस पहलू में राम साथ होके भी तुम्हें दिखाई देता नहीं है, मैंने किया है ये तो मैंने किया है। भैया तुम ही करो, करोगे फंसोगे। हम कठपुतली हैं, हम कठपुतली हैं, कठपुतली अपने आप चलती, कठपुतली का धागा किसी के हाथ में होता है, हमारा भी धागा किसी के हाथ में है, वो हिलाएगा तो हम हिलेंगे, नहीं तो हिलने वाले नहीं है। चाहे हम बैक गियर डालें, चाहे आगे का डालें, पर उसके बिना नहीं चलेगा कुछ भी, अच्छा करो या उसके बगैर नहीं होगा। इसीलिए कुछ भी करिए, जो करना है करो, पर ईश्वर साक्षी में करो, भगवान को शामिल रखो, उसे शामिल रखोगे आवित हो गए। अर्जुन मैं तुम्हारा सखा हूं, तुम मुझे क्या देना चाहते हो? अर्जुन ने कहा प्रभु आपने अगर मांगा है तो इस अर्जुन के पास कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको अब मांगा है तो देना चाहता हूं। क्या देना चाहता है प्यारे? अर्जुन ने कहा जब से मेरा जन्म हुआ है, जब मैंने पहली श्वास इस धरती पर आकर आपकी दी हुई ली है, तब से लेके अब तक जितना भी मैंने पुण्य किया है वो मैं सब आपको सौंपता हूं, सारा पुण्य आप ले लीजिए और सारा पाप मुझे दे दीजिए। जब अर्जुन ने यह कहा तो कृष्ण ने कहा कि जो भी पुण्य तूने किया है वो, और मैंने जो किया है वो सब तेरा और तेरा पाप मेरा। भगवान के साक्षी में कर्म करोगे तो पाप का भोगी वो और पुण्य के भोगी हम। अर्जुन ने कहा कृष्ण से भगवंत देखो मैं रथ में धनुष बाण उठाऊंगा, पर एक बात देख लो, हार हुई तो तुम्हारी और जीत हुई तो मेरी, ये शर्त मंजूर है तो धनुष उठा लेता मैं। भगवान ने कहा मंजूर, हार हुई तो कृष्ण की और जीत हुई तो अर्जुन की, उठाओ और चलाओ। ऐसा संवाद भक्त भगवान का होना चाहिए।